कभी पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक भी हिंदू ने आपसे गिला शिकवा कभी नहीं किया। अगर कृष्ण जी महाराज के ऊपर, जन्माष्टमी के ऊपर को सुंदर कृष्ण जी के ऊपर अच्छे प्रवचन बोल देता है तो उसको सजा हो जाती है। वो गीता ज्ञान भुलाना होगा, गीता के ज्ञान को पहले समझ लो भैया। हमारी हिंदू समाज से क्या लड़ाई है? गीता ज्ञान हजारों साल पुराना। सी आजादी चाहते हो? राजपुरा, बठिंडा, पठानकोट, ये पंजाब में खालिस्तान बना के ये आजादी चाहते हो? हाँ जी जी सर, पंजाब दे विच माहौल नू लेके लगातार चर्चावां चल रही ने, ते खालिस्तान की मांग जड़ी है एक बार फिर तो जड़ी है तेजी नाल कीती जा रही है। भाई अमरपाल सिंह जद्द पंजाब दे विच एक्टिव होए ने दुबई तों। मैं आपको एक बात स्पष्ट करूं, 35, 36, 37, 38 साल के अंदर या उससे पहले जब से पंजाबी सूबे का आंदोलन शुरू हुआ, उसको भी ले ले 40 साल ले ले, 40 साल के अंदर हमने पंजाब को आगे लेके गए या पंजाब को सड़कों पे, पंजाब को रोला के रख दिया हमने, उजाड़ के रख दिया अपने स्वार्थों की खातर, अपनी वोट की खातर। पंजाबी सूबा आंदोलन हुआ, पहले क्या हुआ, पाकिस्तान से हम जुदा हुए, पाकिस्तान से अलग हुए, काबुल कंदार हमारे से दूर हुआ, 1947 के अंदर कत्लो गारत हुई, फिर एक बहुत बड़ा पंजाब मिला हमें जिसमें हिमाचल भी आया, जिसमें हरियाणा भी आया, जिसमें दिल्ली भी आया, जिसमें राजस्थान का कुछ हिस्सा भी आया, जिसमें जम्मू का कुछ हिस्सा भी आया, जिसमें पूरा एक बड़ा पंजाब हमारे हाथ आया। उसके बाद हमने फिर आंदोलन किया पंजाबी सूबे का, हम हरियाणा के बड़े भाई थे, अब हरियाणा के हम छोटे भाई बन गए, हरियाणा बड़ा भाई बन गया। एक छोटा सा हरियाणा, जाके गुड़गांव उनकी देखो, जहां करनाल देखो, उनकी डेवलपमेंट, विकास, उनके ऑफिस, उनका काम करने का तरीका, उनके सर्किट हाउस जाके देखो, वो हरियाणा कहाँ चला गया। दुनिया से आके लोगों ने हरियाणा में, गुड़गांव में, करनाल में आके अपने व्यापार का शुरुआत कर दी, और हम कहाँ गए, हम आगे गए या पीछे गए? फिर आ गया धर्मयुद्ध मोर्चा, क्या कमाया, चंडीगढ़ हम लेके रहेंगे, चंडीगढ़ लेते लेते क्या हुआ, खालिस्तान का मुद्दा भी जुड़ गया, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 36,000, उनमें से 19,000 मेरे हिंदू भाई शहीद हुए, उसमें जो जो सरदार भाई थे जिनमें सिर में पगड़ी नहीं थी उनको भी गोलियों का इसलिए निशाना बना दिया कि वो हिंदू हैं, और एक एक आतंकवादी कहता था मैं 500 हिंदू मारूंगा, मेरे पास नाम है, 500 हिंदू मारूंगा। क्या खालिस्तान बना? क्या चंडीगढ़ मिला? क्या धर्म प्रफुल्लित हुआ? क्या पहले फॉरेन से अंग्रेज आते थे अमृत छक करके, पूरे अमृतसर के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ फॉरेनर की होती थी, सिर पे सुंदरी दरतास पहनी हुई, और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, और अरदास करते थे, पाठ करते थे पवित्र, मैं अपनी आंखों से देखा है। क्या आज वो चीजें नजर आई? कहां था अमृतसर, कहां था लुधियाना, कहां थी डेवलपमेंट, कहां था विकास, कहां थी फैक्ट्रियां? क्या आज अमृतसर जाके देख लो, गुरु महाराज की पवित्र धरती को राजनीतिक लोगों ने, चंद धर्म के ठेकेदारों ने उजाड़ करके, एक वोट बैंक की खातर, चौधर की भूख की खातर तबाह करके रख दिया। मिसाल है, जाके अमृतसर देख लो। ये कहते खालिस्तान बनाएंगे, खालिस्तान मांगने वालों, ये नया आया एक की ना दस दे अतेंद्र पाल, क्या कहते अमृतपाल, नाम भी नहीं आता है ना, पता नहीं किसका आदमी कहाँ से आया यहाँ पे, मैं पंजाब का वारिस, तो पंजाब का वारिस है, जा जाके पहले महाराणा रणजीत सिंह जी का स्टैचू देख के आओ अमृतसर, कंपनी बाग के अंदर शेरे पंजाब का, जिसका काबुल कंधार तक राज था, हरि सिंह नलुआ उनकी फौजों के जर्नैल थे, माए कहती थी बच्चे सो जा नलुआ आ गया, उस महाराणा रणजीत सिंह के स्टैचू के पाकिस्तान के अंदर आपके लोगों ने, खालिस्तानियों ने, बबर खालसा ने, नीटा फीटा चीटा कौन है, उन्होंने उसके उनके आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिए। गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, वहां के ग्रंथी साहब की बेटी का किडनैप कर दिया, ननकाना साहब का नाम बदल देंगे काफर ने कहा, फिर अभी 8-10 दिन पहले पंजा साहब के अंदर तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, सिर पे कपड़ा नहीं जूते पहन करके पंजा साहब के अंदर शूटिंग करने चले गए बगैर परमिशन से, अगर किसी ने विरोध किया तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करा दी।
कहाँ थे आपकी जवानी क्यों बंद होगी भाई? क्या पंजाब में को बोला जहां राजनीतिक फायदा है खूब शोर मचाओ, आग लगा दो, पंजाब ही एक मिला, हिंदुस्तान ही मिला बर्बाद करने को, जो हमारे पंजाब को, हिंदुस्तान को पाकिस्तान नार्को टेररिज्म जो पंजाब में नशेड़ी बना रहा है, हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है, उनकी आप हमायत करते हैं? और हथियार रोज ड्रोन के जरिए कहां थे? रोज नार्को टेररिज्म आ रहा है पंजाब को तबाह करने के लिए, हमारी जवानी बर्बाद करने के लिए। वो सच्चे सिख हो गए, अपनी आंखों के सामने ननकाना साहब का अपमान, अपनी आंखों के सामने बहू बेटियां का अपमान, अपनी आंखों के सामने महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े शेरे पंजाब के कर दिए चुप। असी पब्बर खालसा, असी खालिस्तान कमांडो फोर्स, पाकिस्तान के भूखे नंगे के टुकड़ों पे पलने वाले हिंदुस्तान के पंजाब के भगोड़े। और यहां आ जाओ कंपनी बाग अमृतसर के अंदर, शेरे पंजाब जी का स्टैचू, अभी कैमरे लेके चले जाओ, इतने इतने बूझे उगे हुए, इतना इतना घास उगा, महाराज रणजीत सिंह शेरे पंजाब की ये हालत इन्होंने कर दी। और जाते हैं महाराज रणजीत सिंह का जन्मदिन मनाने पाकिस्तान के अंदर, मजे लेते हैं वहां कौन कौन जन्मदिन, यहां स्टैचू की क्या हालत कर दी। श्याम सिंह अटारी वाघा बॉर्डर के अंदर जर्नल, आज उसकी हालत स्टैचू की देख लो, कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? खालिस्तान का मैं बार बार कहता हूं, सवालों का जवाब पूछता हूं, खालिस्तान कौन सा खालिस्तान? खालिस्तान ये खालिस्तान, ये राजपुरा ये खालिस्तान होगा, बॉर्डर ये बठिंडा ये खालिस्तान होगा, 100 किलोमीटर ये पठानकोट, 100 किलोमीटर ये खालिस्तान होगा। ये खालिस्तान चाहते हैं, ऐसा खालिस्तान चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर 10-10 साल मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, फौजों के जनरल रहे, 4-4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, आर्मी चीफ रहे, नेवी चीफ रहे, आजादी के बाद डिफेंस मिनिस्टर रहे, फॉरेन मिनिस्टर रहे, हमें हिंदुस्तान ने क्या नहीं दिया? सिख कौम को किसी से खतरा नहीं। ये कहते हम आजादी चाहते हमें खतरा है, बताएं, चैलेंज करके कहता हूं 1-to-1 कोई आ जाए, ये गप्पे मारने से ना फेसबुक में 1-to-1 आए, किससे खतरा है? खतरा चंद आपके लोगों से, समाज को देश को खतरा है, जो AK-47 ला के पूरे हिंदुस्तान में दहशत फैलाना चाहते हैं, जिन्होंने मजरूमों को मारा था, 36,000 बेगुनाह लोगों को मारा था, उसमें हिंदू भी था, सिख भी था, मुसलमान भी था, ईसाई भी था। बंदूकें आप पकड़े, कृपाने निकाल के लोगों को डराए, हम खालिस्तान बनाएंगे, और खतरा आपको दूसरे आदमी से हो गया। किसी के हाथ में पंजाब में बंदूक थी क्या? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी के हाथ में रिवॉल्वर थी क्या? ट्रेनों से बसों से निकाल करके मार दिया। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में तो ये नहीं लिखा, हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने तो मजरूमों की रक्षा के लिए पगड़ी दी थी हमें, सिख कौम, आपने मार दिया मजरूम, गदार तो गुनाहगार आप हुए, हम नहीं हुए, आपने गुरु महाराज की मर्यादा के उल्ट जाके खड़े होकर के मजलूमों को मारा। करते हसी बब्बर छेरा और लख लाने तक तो उनके हाथ में बंदूक होती तो मैं मानता गोली से गोली चली, मजलूमों को मार दिया, और उसके बाद कहते हम शेर हैं। ये कहे कि शेर भाई कौन सा खालिस्तान की बात करते हैं आप, बताइए बेटा जी, क्या लगता है कि इस माहौल से निकलने के लिए अब सरकारों को करना क्या चाहिए, क्या हल क्या है, किस तरीके से? ये जो आपका सवाल है बड़ा पुराना है, आपका नहीं, मैं वही जान, ये सवाल 35 साल से मैं सुन रहा हूं, हर पत्रकार से सवाल पूछता इसका हल क्या है, इसका हल क्या है, इसका हल धर्म प्रचारक, इसका हल है धर्म के प्रचारक, धर्म के प्रचारक अतिंदर पाल सिंह जी, धर्म के प्रचारक डडरिया वाले साहब, धर्म के प्रचारक भाई बनजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, धर्म के प्रचारक प्रोफेसर दर्शन सिंह जी, धर्म के प्रचारक, जितना मुझे नॉलेज है हरबंस सिंह जी जो नहीं रहे जगाधरी वाले, वो प्रचारक, उनकी वीडियो प्रचारक, जितनी देर तक धर्म का प्रचार अगर कहें सरकार ठीक कर देगी, सरकार को ठीक करने वाली नहीं है, किसी से नहीं होगा ये। फिर कहेंगे वो अतिंदर पाल क्या बोलते हो, अरिंदर पाल क्या बोलते हो, अमृत पाल को पकड़ लिया जी, फिर इनका धर्मयुद्ध मोर्चा शुरू होगा जी, फिर ये हीरो बनेंगे जी, फिर कहेंगे जी हम पंजाब में, वो कितनी देर तक सुरक्षा के दायरे में लोगों को, हम लोगों को रखोगे भैया? 32 साल 35 साल के बाद
अभी तक हल ही नहीं निकला। सुरक्षा बड़ी है, कम तो हुई नहीं। अब गैंगस्टर और अब आतंकवादी एक हो गए, अब नार्को टेररिज्म वाले एक हो गए। कहां ठीक हुआ, कौन ठीक करेगा? पॉलिटिकल पार्टियों को वोट बैंक चाहिए, धर्म के ठेकेदार को चौधर चाहिए, धर्म प्रचार करने वाला कोई रहा नहीं। अकाल तखत के जथेदार साहब को जथेदार मानते ही नहीं, तभी तो ये आ गया अमृतपाल। ये कहां से आ गया अमृतपाल? अमृतपाल को मैं कल भी कहा, आज भी कहा, तेरे में दम है? बड़े तेरे जाने एक्सपेरिमेंट करने आए, महाराजा पटियाला, चीफ मिनिस्टर पंजाब, फौजी, गुरु ग्रंथ साहब की कसम, जो मंत्री उनके साथ रहे, सरेआम देश की जनता के सामने गुरुद्वारा साहब के पास बठिंडा में शपथ ली अरदास करके, मैं ताकतवर व्यक्ति हूं, मैं आया तो मैं नशा खत्म करूंगा, कर पाया? मेरा पत्रकार को सवाल है, कर पाया? उससे पहले कोई कर पाया? नहीं कर पाया ना, तो ये कहां से कर देगा? अब इसके पीछे लगेंगे 10 साल, फिर माओ के लाल ये बंदूकें पकड़ा करके मरवाएंगे। पहले माओ के लाल, इन्होंने कोई आतंकवादी नहीं था पंजाब के अंदर, 15-16-18 साल के नौजवानों के, स्कूल के बच्चों को गर्म भाषण दे के सिख कौम खतरे में है, हाथ में बंदूकें पकड़ा करके माओ के लाल मरवा दिए, और आप सारे विदेशों में भागे। जो परमजीत सिंह पंजवड़ जैसे लोग, नीटा पीटा वधावा सिंह, सब भागे पाकिस्तान के टुकड़ों पर, विदेशों से फंडिंग आती है, मजे लेते बच्चे उनके, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते, बच्चों की शादियां भी होगी, और यहां के माओ के लाल मरवा दिए। अब ये आया माओ के लाल मरवाने, अब ये आया माओ के लाल मनवाने, सिख कौम खतरे में है। और खतरा किससे बता दूं, देखो इनको कोई तकलीफ नहीं है, चंद लोग, एक मिनट, इन चंद लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई आम सिख समाज के लोगों को, हिंदू से, हिंदू को सिख से कोई तकलीफ नहीं। नौ रोटी बेटी नौ मास का रिश्ता है, इनको तकलीफ है हिंदू हिंदू हिंदू, ना हाथ में बंदूक ना हाथ में कृपाण, सुबह रोटी खमाने निकलता अपने घर वापस आ जाता है, इनको कोई तकलीफ नहीं। इनको बाहर के सिख समाज जो करोड़ों अरबों का व्यापार करते हैं दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के कोने के अंदर गुरुद्वारा साहब को दसों नौ की कमाई से सजाते हैं, कभी गलत नारा नहीं देते, इनको उनकी जिंदगियों का फिक्र नहीं है। इनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए, उनका भी इनको फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ अपनी चौधर है पंजाब। वो तुहाडा पंजाब था इन्ना जहा पंजाब, पंजाब तो दुनिया में बसता है, दुनिया में बसते हुए पंजाब को भी आप बर्बाद करना चाहते हो। कैनेडा इतना सुंदर देश, हमारे बच्चे बच्चियां वहां पे काम करने जाते, पढ़ाई करने जाते, कैनेडा को भी बदनाम कर दिया। अब कहते पंजाबी आ गए, अब कैनेडा गया, अब अमेरिका आए, पंजाब दे गए अमेरिका गया। जो अच्छे सिख हैं जिन्होंने गुरुद्वारा साहब को दसों नौ की कमाई से सजाया है, उन सिखों के ऊपर, भाइयों के ऊपर भी ये दाग लगाते हैं, ये चंद लोग, सारे नहीं चंद लोग। मैं तेन दसना गुलामी इन्हों की ऐसी थी तैसी है, जेडे चंद बोलन वाले गुलामी। इनको पूछना चाहता हूं, सरदार दरबार सिंह जी का नाम, स्वर्ण सिंह का नाम इनको पता ही नहीं होगा, ये जो नए नए लिए फिरते हैं। सरदार दलबाग सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह हिंदुस्तान के पहले डिफेंस मिनिस्टर, पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, आजादी के बाद हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चार रहे, जस्टिस कुलदीप सिंह खैरा ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह रहे, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह रहे, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह रहे, कई मंत्रालयों में रहे, और हिंदुस्तान के आर्मी चीफ 71 जंग के हीरो जगजीत सिंह अरोड़ा रहे, जिससे पाकिस्तान थर थर नाम पे कांपता था। हिंदुस्तान के एयर मार्शल जब प्लेन उड़ता था, करम मार्शल आ गया भाग जाओ, फौजें भाग जाती थी, उनका नाम था सरदार अर्जन सिंह जी, एयर मार्शल रहे, एयर मार्शल धनोआ, जिसने 10 मिनट के अंदर खुद देखा ऑपरेशन को, पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान के 500 आतंकवादियों उनके कैंपों को तबाह करके जिंदा शहीद की वापस आए, वो थे सरदार। आर्मी चीफ सरदार विक्रम सिंह, सीबीआई चीफ सरदार जोगिंदर सिंह, आर्मी चीफ जे सिंह, और बताओ किस किस का नाम लो, ये रहे हिंदुस्तान के अंदर। क्या नहीं मिला हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान को हमें पूरा मान सम्मान मिला, पर हमने क्या किया? इन चंद लोगों ने, जो अर्जन सिंह,
जो एयर मार्शल अर्जन सिंह, जो जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए दुनिया में एक सरदार की पगड़ी का नाम बनाया था, इन्होंने 36,000 बेगुनाहों का चंद खालिस्तानियों ने कत्लेआम करके हमारी पगड़ियों पर दाग लगा दिया, हमारी पगड़ी लहू लुहान कर दी। मिला क्या इनको आखिर में? मिला क्या? क्या चंडीगढ़ मिला? क्या खालिस्तान मिला? क्या पंजाब में सिक्खी समाज को प्रफुल्लित कर पाए? प्रफुल्लित नहीं, पीछे मुड़ आए। विकास नहीं, पीछे मुड़ आए। चले जाइए अमृतसर की सड़कें देख लीजिए, उनका हाल देख लीजिए, हंसता आता है श्रद्धालु, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हरिमंदर साहब में जब अंदर घुसता है रोता है, फिर हरिमंदर साहब जाके उसको शांति मिलती, फिर आके रोता है। ये दिया हमने हिंदुस्तान के लोगों को, और हिंदुस्तान ने हमने हमें कितना कुछ दिया। क्या कोई मुसलमान, कोई ईसाई, किसी पार्टी की सरकार, चरण सिंह देसाई, कोई बड़ी बड़ी सरकारें, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, क्या किसी ने कहा 2% को 2 करोड़ ने आपको राष्ट्रपति दे दिया? आपने 10 साल मनमोहन सिंह दे दिए, आपको आर्मी चीफ, सीबीआई चीफ सब दे दिए, एयर मार्शल दे दिए, किसी ने इतराज तो नहीं किया? हमने इतराज हमेशा किया, हमें आजादी चाहिए। पूछना चाहता हूं चैलेंज करके 1-to-1 को आए, कौन सी आजादी चाहते हो? राजपुरा, बठिंडा, पठानकोट, ये पंजाब में खालिस्तान बढ़ा के ये आजादी चाहते हो? और चाहते हो कि हम पासपोर्ट के जरिए पंजाब के लोग, जो पटना साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पवित्र स्थान कल्किधर महाराज का, हम पासपोर्ट के जरिए जाए? आप चाहते हो कि पंजाब के लोग अगर जाए नदेड़ साहब महाराष्ट्र में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, हम पासपोर्ट रस्ते जाएं? हम ये चाहते हैं कि दिल्ली बंगला साहब, दिल्ली रकाबगंज, दिल्ली शीशगंज साहब, गुजरात के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज के लखपत साहब में गुरु उनके चरण, उनकी खड़ाएं, उनके साहबजादों की खड़ाएं श्री चंद जी की, ग्वालियर के अंदर दिवाली के दिनों ने गुरु महाराज ने 52 राजे आजाद कराए। आप चाहते हो कि पासपोर्ट के जरिए जाए? तुम्हारी ऐसी की तैसी बहसता करो, दूसरे दिन खालिस्तान बनाएंगे, और कौन सा खालिस्तान बनाएंगे? जो उधर से आएंगे वो पासपोर्ट के जरिए आएंगे पंजाब के अंदर? पूछना चाहता हूं उनके, वो अरदास सुनिए खालिस्तान मांगने वालों को, अरदास सुनिए जो रोज होती है, हे गुरु महाराज हमारे बिछड़े हुए गुरुद्वारे हमें देना, मतलब करतारपुर साहब, पंजा साहब, जो और भी हैं मतीदास जी के जिनका अपमान होता है वो देना। और आप वो तो वापस आए नहीं और चले दूसरों को दूर करने वाले, पहले खालिस्तान की बातें करने वाले, पहले सोच के पढ़ के लिख के बात करो। अपना घर तो हमारे से ठीक होता नहीं, चले तुम खालिस्तान बनाने, वो भी भूखा नंगा पाकिस्तान, उसके टुकड़ों पे पलने वाले यहां से भगौड़े आतंकवादी, जो वहां से यहां पैसे भेज के पंजाब के माहौल को खराब करते हैं। पंजाब के लोग क्या उठेंगे नहीं? क्या पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां जागेंगी नहीं? हमारा दुश्मन पाकिस्तान इस पंजाब को तबाही के रास्ते पर रोज ले जाना चाहता है, रोज नार्को टेररिज्म आ रहा है, रोज हथियार आ रहे हैं। क्यों? क्या पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं? क्या धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं? क्या अमृतपाल जैसे कितने तैयार होंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट होंगे, जिंदगियां गुजर जाएंगी, लोग चले जाएंगे, नए आएंगे, फिर कहेंगे अरे ये 100 हिंदू लोगों को मारने वाला, इसके नाम का गुरुद्वारा साहब बना दो। कल ही एक व्यक्ति को मिला, एक आदमी का नाम दिया मुझे याद नहीं है, जयप सिंह को नाम था, वो कहता था मुझे 100 हिंदू मारना है, उसमें मेरा भाई भी अगर हिंदू बना होगा मैं उसका भी कत्ल कर दूंगा। ये हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा था, ये मानवता में लिखा था। भाई गनैया ने जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए फौजों जब जंग लड़ते थे औरंगजेब के साथ, दुश्मनों को भी मलम पट्टी करते थे, गुरु महाराज को कहते मुझे तो हर दुश्मन के अंदर गुरु महाराज नजर आता है। तो गुरुओं ने कहा मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, मजरूम, मैं 100 हिंदुओं को मारूंगा, कल को फिर उठेंगे हम हिंदुओं को मारेंगे। माओ के लाल आगे मरवा दिए, अब माओ के लाल 20-20 साल के, 15 साल के, जो लुधियाने में देख रहा था जब दीप संधू का डेड बॉडी आई, गीता ज्ञान भुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा, वो गीता ज्ञान भुलाना होगा, गीता के ज्ञान को पहले समझ लो भैया, हमारी हिंदू समाज से क्या लड़ाई है? गीता ज्ञान 1000 साल पुराना, हमारा इतिहास 550-600 साल पुराना, गुरु महाराज ने कुर्बानी दे के तपो से सजाया,
60 हजार साल पुराने मंदिर कर्नाटका और तमिलनाडु में अभी हो गया है। 60 उसमें कहते गीता ज्ञान बनाना होगा खालसा ने, इसका मतलब हमारे धर्म प्रचार की कमी है। अगर कृष्ण जी महाराज के ऊपर जन्माष्टमी के ऊपर को सुंदर कृष्ण जी के ऊपर अच्छे प्रवचन बोल देता है तो उसको सजाद हो जाती है। यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान है। जो पंजाब से बैठा हुआ बाहर सिख उसको गले से लगाता वहां कर, सिख कौम तो हमारी शान है, सिख कौम ना होती तो हम ना होते। हिंदू समाज कह के थक जाता है, दीवारों पर टकरे मार के थक जाता है कि सिख समाज ना होता तो हम ना होते। हम उनको रोज गाली देते हैं, रोज। खालिस्तान का मतलब हिंदू समाज को गाली देना, खालिस्तान का मतलब सैकड़ों सिख को गाली देना। पहले खालिस्तान का मतलब समझो, खालिस्तान का मतलब क्या है, कहां काबर कंधार तक राज और कहां पहुंच गए, अब कहां जाना चाहते हो बता तो दो। रोज आप लड़ते हो, अलग अलग आपके आपके धड़े हैं कि एक दूसरी की सुनते नहीं, अकाल तख्त के जथेदार को बुरे लफ्जों का इस्तेमाल करते हो। हमारे जैसे लोग जबान थरथराती है, कभी वो ऐसा गलत बयान दे देते हैं, बोलने थोड़ा शर्मा जाते हैं, साइड में हो जाते हैं, नहीं यार अकाल तख्त के जथेदार चलो कोई बात नहीं कर दिया। हमारे सत्कार है, हमारी पार्लियामेंट है, हम उनका सत्कार करते हैं, हम अपनी जबान को बंद कर देते, पर आप गाली गलौज से भी बंद नहीं करते। जहां हमारी पहचान हुआ करती थी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतना वाहेगुरु, आज पहचान हमारी कर दी ढेर सारी गाड़ियां, गप्पे, इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां, ये पंजाबियों के पहचान बना रही है। बाहर के लोग हमारा मजाक उड़ाते, हम पूरे देश में जाते हमारा मजाक उड़ाते, ये खालिस्तानी आप। हाँ खालिस्तान की बात करनी है, एक एक आदमी आ जाओ मेरे साथ, 10-10 आ जाओ, मैं अकेला हूं, पहले आप बोलो फिर मैं बताता हूं खालिस्तान का मतलब क्या है। मैं आपको बताता हूं 84 के दंगों के जिम्मेदार कौन थे, मैं आपको बताता हूं कि ब्लू स्टार ऑपरेशन किन कारणों के ऊपर हुआ, मैं आपको बताता हूं कि हरमंदर साहब को ढाल किसने बनाया, कवच किसने बनाया, गुरु महाराज का अपमान क्यों हुआ, अपने शरीर को बचाते हुए, अपनी जिंदगियों को बचाते हुए हरमंदर साहब को डेरी करा दिया, आप गुरु बन गए, हरमंदर साहब को साइड में कर दिया। अगर बाहर को आ जाते क्या गुरु हरमंदर साहब में गोली चलती, सरकारें यही चाहती थी हथियार जाए हरमंदर साहब के अंदर, एक साल हरियाणा हथियार जाते रहे, किसी ने पकड़ा नहीं, ट्रकों में हथियार जाते रहे, लंगर के नाम के ऊपर हथियार जाते रहे, सरकार जो चाहती थी वो हो गया। अंदर से जब ब्लू स्टार ऑपरेशन का मौका आया, प्लानिंग से सारा कुछ हुआ, अब ब्लू स्टार ऑपरेशन होगा। सिख कौम पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हो चुका है, अब इलेक्शन कराओ। इलेक्शन हुई, सरकार बन गई कांग्रेस की, फुल सरकार बनी पूरे देश के अंदर, पंजाब से नहीं पूरे देश में लोगों ने सिख कौम को बदनाम करके, सबने मिलकर बदनाम करके अपनी सरकार बना ली। यह मुद्दा था असली, पॉलिटिक्स थी इसमें। और अब भी तो जाग लो पंजाब के सिख समाज के लोगों, पंजाब के लोगों अब तो जागो, कहीं अब भी आपसे को राजनीति ना पाकिस्तान ISI बैठी हुई आपसे पॉलिटिक्स ना कर दे। इनका कुछ नहीं जाना, अमृतपाल जो भी है मान मून इनका कुछ नहीं जाना, बहुत पैसा इनके पास, दुबई से आया कहते दुबई से, पहले कनाडा में था, तेरे में हिम्मत है, तू शेर है, तू पंजाब में ठीक करेगा, तू पंजाब में अमृत छकाएगा। पहले अपने गुरु को जिसने अपमानित किया जूते लेके, 10 दिन की बात, 5 दिन की बात, बीड़ी सिगरेट फिर पे कपड़ा नहीं, जूते लेके पंजा साहब, हमारा सबसे बड़ा स्थान, पवित्र स्थान, दुनिया आती है, पहले उसका बदला ले, जा कनाडा अमेरिका से, जा दुबई से, तेरा पासवर्ड मार दे वहां, देखूं यहां भी तो मारते हो ना लोगों को, 36,000 लोगों को मारा ना आपने, हिंदू समाज का भी बोला तो नहीं, कहते आप हमारे बड़े भाई हो, कभी ये पंजाब के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक भी हिंदू ने आपसे गिला चिकवा कभी नहीं किया, गांवें मार दिया आपने, गांव के गांव खाली करा दिए, जहां हिंदुओं के गांव गांव खाली हो गए, जब मार दिया जब भाग गए, ये किया आपने। अब पाकिस्तान के ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है, अमृतपाल जा पाकिस्तान, तू बड़ा बनता फिरता ना, जा पाकिस्तान, तेरे गुरु का अपमान हुआ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का गुरु का अपमान हुआ, जा गोलियां मार जाके वहां पे, मर जा वहां, शहीद शहादत जा पीजे, हम तेरा सम्मानित करेंगे। चढ़ता हुआ पंजाब हमारे पास, लेंदा पंजाब, ले लेंदा पंजाब उधर से, ले लेंदा पंजाब तेरे साथ खड़ा हुआ, चल कर लेंदे पंजाब की बात, खालिस्तान की बात ना कर, लेंदे पंजाब की बात, तेरे साथ मैं खड़ा हुआ हूं। महाराज रंजीत सिंह का स्टैचू तोड़ दिया, गोली मार उसको, शेरे पंजाब का मार गोली उसको, ननकाणा साहब को काफिर ने कह दिया, नाम बदलो मार उसको गोली,
ग्रंथी साहब की हमारे वहां के बेटी को किडनैप कर दिया, धर्म परिवर्तन हमारी बेटियों का किया जा रहा है, हिंदू समाज की बेटियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, आपकी आवाज कहां है? पंजाब के धर्म के लीडरों आपकी आवाज कहां है? पंजाब के पॉलिटिशियनों आपकी आवाज क्या? हाँ आवाज है, आवाज, एक मिनट भाई, आवाज है। जाएंगे पाकिस्तान के एम्बेसडर को मिलेंगे, ये देंगे फोटो, ये आवाज है, फोटो, ये आवाज है इनके अंदर, हर चीज में इनकी पॉलिटिक्स है। बबेहारी के कार्ड है ग्रंथ साहब, उसमें भी पॉलिटिक्स है। अरे तेरे गुरु का अपमान हुआ, उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। हरमंदर साहब के अंदर एक काफर आके अंदर घुस गया, इतिहास में पहली बार ग्रंथी साहब के परमात्मा गुरु महाराज की कृपा जाग उठे, नहीं तो गुरु ग्रंथ साहब का क्या, उसका किसी ने मुद्दा उठाया? हरमंदर साहब क्या मुद्दा उठाया? सब भूल गए। जहां पॉलिटिक्स है, जहां वोट बैंक है, जहां पैसा है, वहां सब कुछ है, यहां गुरु ग्रंथ साहब ऐसे हैं तो अकेला छोड़ दो। अब लुच्चा सौदे की बात कर लो, लुच्चा सौदा जेल से बाहर आ गया, अब जमाने कहां बंद है जी? अब जमाने कहां बंद है? जिसने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पांच प्यारे सजाए, अपमान किया, आग लगाई, सिख धर्म का परिवर्तन कर दिया, बठिंडा मानसा मुक्तसर पेप्सू में परिवर्तन कर दिया, एक योद्धा निकला, वो तो टटरिया वाला साहब, जिनको रोज गाली गलौज करते हैं, संत को गाली देते हैं, ये उनको बुरे लफाजों का इस्तेमाल करते हैं, सिक्खी स्वरूप में रहता है, युवा पीढ़ी उससे सिक्खी स्वरूप बनने के लिए सबक सीखती है। वो गया थे सिरसा, लाखों लोगों का, सिख संगत का, हिंदू भाइयों का इकट्ठ करके वहां अमृत छकाया, फिर पूरे पेप्सू के अंदर जितना धर्म परिवर्तन हुआ उसको वापस लाए। उनको ये बुरा भला कहते, ये तो खालिस्तानी है, जहां गए थे हम गुरु महाराज की कृपा से, 1,500-2,000 आदमी होगा, चने चबा के आए थे लुच्चे सौदे के, आज आप कहां हैं? हमें बुरा कहते हो आप? हम सच्ची बातें कहते हैं, हमें बुरा कहते हो? याद रखना, ये बोनस की जिंदगी आओ, याद रखना, हमने ना कभी राजनीति की, ना कभी राजनीति करेंगे, ना नेता बने, ना कभी नेता बनेंगे, याद रखना ये बोनस की जिंदगी। जब जब पंजाब में मुसीबत आएगी, पंजाब के लोगों, मैं वादा करता हूं आपसे, जब जब पंजाब से ऐसे लोग मुसीबत डालने की करेंगे, ये बोनस की जिंदगी पंजाब की अमन शांति के लिए, गुरु महाराज की पवित्रता कोई बदनाम न करे, उसके लिए डट के अपना जीवन फिर बम्बों से कुर्बान करेगी। मैं पंजाब से लोगों के वादा करता हूं, मैं पंजाब में दखलंदाजी नहीं करता, मैं पंजाब में धर्म ठेकेदारी नहीं करता, मैं पंजाब में कोई गंदी राजनीति को इलेक्शन नहीं लड़ता। हाँ, ये यकीन लोगों को हो चुका है, ये लोगों को यकीन होगा कि बिट्टे की सिर्फ सिर्फ जिंदगी राष्ट्र के लिए और पंजाब की अमन शांति के लिए है, और बोनस का शरीर का हिस्सा उनके लिए, आओ कितने बम चलाने चलाओ, मुझे बम्बों का कोई असर नहीं होता, जाना है, मैं तो मर चुका, कब का मार दी, मैं तो बोनस की जिंदगी में सब कुछ देख रहा हूं। ये बची जिंदगी और मजबूत होके पंजाब की अमन शांति के लिए, राष्ट्र के लिए, ये पंजाब हिंदुस्तान से कभी न टूटे, आखिरी दम तक लड़ेगी, ये मेरा आपसे पंजाब की जनता से वादा है। कोई इलेक्शन नहीं, कुछ सता नहीं, और पंजाब के लोगों जाग जाओ, सिख समाज के लोगों जाग जाओ, ये पाकिस्तान के भगौड़े भेजे हुए लोग हैं, ये प्लांटेड लोग हैं, इन्होंने सारी हमारी पंजाब की जवानी को बर्बाद कर दिया, इन्होंने पंजाब के हमारे कारोबार डेवलपमेंट विकास तबाह करके रख दिया।